हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो नवरात्रि हो गए और 9 दिन कैसे निकल गए पता भी नहीं चला। इतना अच्छा लगता था 9 दिन। हम लोग तो मतलब यहाँ पे डेली कीर्तन में और जागरण में गए तो पता ही नहीं चला कि 9 दिन कैसे बीत गए, और इतना अच्छा लगता था। तो अब वही फिर से वही काम शुरू हो गए। 9 दिन तो पता ही नहीं चला। तो आज मैं बनाने वाली हूँ गुलाब जामुन, क्योंकि मेरी सास माँ ने भेजा था खोया। तो खोया बहुत सारा भेजा था उन्होंने, तो आधे खोए का तो मैं नवरात्रों में ही पेड़ा बना चुकी, क्योंकि भोग वगैरह लगाने के लिए और पानी वगैरह पीने के लिए तो ठीक रहता है। तो नवरात्रों में तो गुलाब जामुन खा नहीं सकते थे, तो इसलिए मैंने फ्रिज में रख दिया था आधे खोए को। और अब मैं उसको बनाने वाली हूँ गुलाब जामुन। तो मुझे गुलाब जामुन बहुत पसंद है, और वो घर का खोया है जो मम्मी ने भेजा है, और उसके गुलाब जामुन बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ रेसिपी, तो प्लीज़ जरूर देखिएगा वीडियो को एंड तक। तो देखिए, मैंने ये खोया लिया है और इसमें मैंने डाला है मैदा। तो मैदा मैंने 2-3 चम्मच ही डाला है, ज़्यादा नहीं डाला है मैदा। और ये घर का बना खोया है तो ये काफ़ी सॉफ्ट है, बट फ्रिज में रखने की वजह से थोड़ा सा टाइट हो गया था ये। तो मैं इसको सॉफ्ट कर लूँगी और मिक्स कर लूँगी काफ़ी देर तक, ताकि ये खोया और मैदा मिक्स हो जाए और काफ़ी सॉफ्ट सा हो जाए। थोड़ा सा ये घी जैसा छोड़ने लगता है तब ये आप समझ लीजिए तैयार हो गया है। तो इसकी बॉल्स भी जब बना के देखेंगे हम तो ये सॉफ्ट होती हैं, तभी ये समझ लीजिए कि सही डो तैयार हो गया है हमारा। और देखिए, मैंने बॉल्स बनानी शुरू कर दी हैं, तो बॉल्स एकदम साफ़ सुथरी सी बनी है और कोई क्रैक्स नहीं है। तो इतनी बॉल्स मेरी तैयार हो गई हैं बनके। तो ये मैं दिखा देती हूँ, देखिए कितनी सॉफ्ट सी बॉल है, कहीं भी कोई क्रैक्स नहीं है। तो अब मैं शीरा, तो यहाँ मैंने रख दिया शुगर सिरप बनने के लिए। तो ज़्यादा इसमें एक तार वाली हमें नहीं बनाना है, इसको बस एकदम मीडियम ही बनाना है। तो ये देखिए, मेरा तैयार हो गया शुगर सिरप, और ठंडा होने पे ये गाढ़ा ही हो जाता है। और इसमें मैंने इलायची भी डाल दी है। तो इधर मैंने ऑयल गरम कर लिया है, और ऑयल ज़्यादा गरम नहीं करना है, एकदम मीडियम फ्लो पे गरम करना है। तो ये मैंने बॉल्स डाल दी हैं इसमें, और ये देखिए ऐसे कलर आने पर थोड़ा सा और डार्क कलर कर लूँगी मैं, और इसको तब मैं निकालूँगी ऑयल से। तो देखिए, इसको धीमी आँच में ही पकाना होता है। तो ये मेरे आ गया है इस पर डार्क कलर सा। तो अब इसको हम कढ़ाई से निकाल कर मैं शुगर सिरप में डाल दूँगी। तो ये मैंने डाल दिया शुगर सिरप में। तो ऐसे ही बाकी बना के भी मैं शुगर सिरप में डाल दूँगी। और थोड़ी देर बाद ये तैयार हो जाएंगे खाने के लिए। देखिए, तो जैसे ठंडा होता है ये, इसमें शुगर सिरप अच्छे से ऑब्ज़र्व हो जाता है। और देखिए, इसको मैंने ऐसे बादाम ऊपर से लगा दिया है और गुलाब जामुन में, और देखिए कितना अच्छा दिख रहा है ये। तो मैंने ज़्यादा बड़े पीसेस नहीं बनाए हैं, छोटे छोटे बॉल्स बनाई हैं, ताकि ये ठीक है, एक बार में ही मुंह में चला जाइए। तो मेरे गुलाब जामुन बनके तैयार हो गए हैं, और अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। और मैं वीडियो को ये एंड कर रही हूँ।